पंडित लाल बहादुर शुक्ला ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज इस शुक्ला ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से शनि की संबंधित दोष को दूर करने और भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का एक आसान और सरल तरीके के माध्यम के द्वारा किस प्रकार से भगवान शिव जी को प्रसन्न किया जा सके और शनि की साढ़े साथी या शनि के अशुभ प्रभाव को दूर किया जा सके, उसके विषय में मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताने जा रहा हूं। जैसा कि मित्रों, भगवान शिव जी जो है आदिदेव हैं और शनि देव भगवान शिव जी की उपासना करते हैं और उन्हीं की कृपा से जो भगवान शिव जी की जिसके ऊपर कृपा रहती है उसकी कृपा से शनि की साढ़े साथी या शनि का अशुभ प्रभाव उस व्यक्ति को कभी कष्ट नहीं पहुंचा पाता। इसलिए शनि से संबंधित जो वृक्ष है उसको कहा जाता है शमी का वृक्ष, और जो कहा जाता है कि भगवान शिव जी को अगर शमी के पत्र को अर्पण किया जाए तो उस पत्र को, उसके पत्ते को अर्पण करने का जो फल होता है, अगर 1000 कुंटल सोना भी भगवान शिव जी को अर्पण कर दिया जाए तो भगवान शिव जी को उतनी प्रसन्नता उससे नहीं होती जितनी शमी के वृक्ष के पत्ते के भगवान शिव जी को चढ़ाने से होती। इसीलिए आपको मैं इस ज्योतिष के माध्यम से, इस एस्ट्रोलॉजी शुक्ला ज्योतिष केंद्र के माध्यम से आज इस वृक्ष की उपयोगिता और किस प्रकार इसका प्रयोग करें भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उसके विषय में बताने जा रहा हूं। आप लोग देख रहे हैं कि इस मंदिर में सभी मूर्ति भगवान ठाकुर जी इत्यादि सभी स्थापित हैं। उसके बीच में भगवान शिव जी के इस शिवलिंग रखा हुआ है। बस शिवलिंग के विषय में एक तथ्य अवश्य है कि शिवलिंग जो घर में रखना चाहिए 4 अंगुल के प्रमाण का, अर्थात जितनी 4 अंगुल की ऊंचाई हो इसके बराबर या इससे कम ही का शिवलिंग का, जो भगवान शिव जी के शिवलिंग का स्वरूप है, रखना चाहिए। रख सकते हैं, उसको स्थान आदि से पवित्र करा सकते हैं। जो धर्म स्थान मंदिर में ना जाए अपने घर में 4 अंगुल तक का शिवलिंग या इसकी ऊंचाई से कम, 4 अंगुल की जितनी ऊंचाई बनती है इससे कम का शिवलिंग, भगवान शिव जी का स्वरूप, घर में शिवलिंग स्वरूप साक्षात भगवान शिव जी के कहते हैं, इसको रखने से आप रोज भगवान को स्नान आज से पवित्र करा सकते हैं, क्योंकि 4 अंगुल के प्रमाण का शिवलिंग या इससे कम का उसकी स्थापना की आवश्यकता नहीं होती। आप जैसा कि ये भगवान शिव जी का शिवलिंग रखा हुआ है, आप इस शिवलिंग की घर में स्थापना अपने नित्य पूजा करने के लिए कर सकते हैं। देखिए कि आपके सामने ये एक वृक्ष है जिसको शमी का वृक्ष कहा जाता है। ये शमी का वृक्ष आपको अपने घर के छत के ऊपर अगर व्यवस्था जगह ना हो, नहीं तो अपने घर में अगर आपके पार्क की जगह या लगाने की व्यवस्था है तो लगा सकते हैं। सभी वृक्षों के बारे में कहा जाता है कि कोई वृक्ष कांटेदार संबंधित नहीं लगाया जा सकता, लेकिन शमी के वृक्ष के बारे में ऐसा अपवाद है क्योंकि शमी का वृक्ष साक्षात भगवान शिव जी को प्रिय है और इसके द्वारा घर के वास्तुजनित दोष भी दूर होते हैं। इसलिए आप इस शमी के वृक्ष को अपने घर के छत के ऊपर अगर व्यवस्था ना हो जगह की, और नहीं तो अपने घर के पार्क या बगीचे में या अपने स्थान पर कहीं घर में अंदर लगा सकते हैं खुली जगह पर। जैसा कि मैंने बताया, बहुत छोटी सी प्रक्रिया, जैसे नित्य रोज की आप पूजा नित्यादि कर लेते हैं, और जैसा कि मैंने देखा, देखो आप इस पत्ते को तोड़ा और तोड़ने के पश्चात इस पत्ते को भगवान शिव जी के शिवलिंग पर रोज आपको चढ़ाना है ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप करके। आप देखेंगे कि शिव जी को शिवलिंग पर किस तरीके से इस पत्र को चढ़ाना है मैं आपको बता रहा हूं। इस पत्र को, पुष्प को, जो पत्ता है शमी का वृक्ष का, 2-4 पत्ते लेकर के भगवान शिव जी को अर्पण करिए और फिर हाथ जोड़कर ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप करिए। देखेंगे कि आपकी शनि की अगर साढ़े साथी हो, शनि की ढैया हो, शनि का महादशा या अंतरदशा का योग चल रहा हो और आपको उससे पीड़ा कष्ट हो, तो आपकी इस उपयोग से, इस प्रयोग से भगवान शिव जी को प्रसन्न करने से दूर होगा और भगवान शिव जी की प्रसन्नता भी जल्दी से जल्दी, उनकी कृपा प्राप्ति आपको होने लगेगी। शमी का वृक्ष जैसे मैंने बताया, इसमें आप शनिवार को तिल का तेल हो या सरसों का तेल, शुद्ध तेल लेकर के और मिट्टी का दीपक लेकर के संध्या काल के समय शमी के वृक्ष के पास आप तेल का दीपक या तिल के तेल का दीपक अगर आप जलाते हैं और वहां बैठ करके शनि के बीज मंत्र का शमी के वृक्ष के पास ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनि नमः
मंत्र का जाप करेंगे तो आपको शनि से संबंधित बड़ी से बड़ी कष्ट या पीड़ा अवश्य दूर हो जाएगी। ये शास्त्र सम्मत है और आप इसका प्रयोग करें। आप हमारे शुक्ला ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, विलवे घंटी बटन को दबाएं और अपने मित्र समूह में भी इसको शेयर करते रहें। हम आपको भरोसा देते हैं कि समय समय पर आपको ज्योतिष संबंधित आने वाले नए नए विचारों को आपको जानकारी देते रहें। मित्रों, आज इस उपाय और विधि और इस ज्योतिष संबंधित विचार के साथ आज का ये विषय समाप्त करते हैं। फिर से एक नया विषय लेकर आपके सामने कुछ समय पश्चात फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मित्रों, नमस्कार।